अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। सो यस, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इट वुड मीन अ लॉट। और आज ही मैं जाने लगी हूँ वलीमे पे, तैयार होने लगे हैं, सुबह हो गई है, नाश्ता कर लिया है उठ के। अब आप लोग सोच रहे होंगे शादी के सारे व्लॉग में मैंने यही शॉल पहनी हुई है सुबह उठ के, क्योंकि आजकल मैंने यही शॉल पहनी हुई, रात को भी मैं यही ओढ़ लेती हूँ, और सुबह के टाइम क्योंकि घर पर ही होती हूँ उठ के, बस स्लीपिंग सूट चेंज नहीं करती और फिर आप लोगों से व्लॉगिंग शुरू कर लेती हूँ, तो इसलिए अब मैं करने लगी हूँ अपने कपड़े प्रेस। आज मैंने पहनी है साड़ी और मैं इसको प्रेस करने लगी हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड स्टे विद मी फॉर दी एक्साइटिंग डे। अच्छा जी, तो ये है मेरी साड़ी जिसको मेरी बहन कहती है कि ये बॉलीवुड साड़ी है, ठीक है। और मैं इसको प्रेस करने लगी हूँ, ठीक है। मैं प्रेस करके फिर आप लोगों को पूरा स्टाइल करके दिखाऊंगी कि ये इसका ब्लाउज़ है। इसको मैंने तय लगा के रखा हुआ था इसलिए इसका ये हाल हुआ पड़ा है। और मैंने स्टीम प्रेस ऑन कर लिया है और मैं इसको जो है ना वो करने लगी हूँ। साथ में कमरे का ये हाल है, सो मैसी, क्योंकि कल भी सारे दिन बहुत महसूस हुई थी और घर पर नहीं थे, तो आज जो है तो इसको सारे को सफाई करवा रही हूँ, साथ साथ कपड़े प्रेस कर रही हूँ। अच्छा जी, मैंने सोचा बाल जो है ना वो रोज़ उनको कर करके ना स्टाइल, वैसे तो मैं रोज़ वैसे भी स्टाइल कर रही होती हूँ, मैं तो पार्लर एक दिन भी नहीं गई बाल बनवाने, तो मैंने सोचा चले बालों की थोड़ी सी होम केयर कर ली जाए, क्योंकि आज मैंने बाल स्ट्रेट करने थे तो डाई की वजह से बड़े डैमेज हुए पड़े। तो ये मैं बना रही हूँ फ्लैक्स सीड्स की जेल, अलसी के बीज की जेल। मेरे पास अलसी का ना पाउडर पड़ा हुआ था, वो मैंने डाला है 2 चम्मच इतने से पानी में, और उसको मैं बॉइल कर रही हूँ, और उसकी अब जेल बन जाएगी तो मैं उसकी तरफ अप्लाई करूँगी अपने बालों में। तो लेट्स सी किसके रिजल्ट कैसे रहते हैं। इसके बहुत सारे रिव्यूज़ मैं देख रही होती हूँ ऑनलाइन, लोग शेयर कर रहे होते हैं अक्सर ही, तो उन्होंने कहा चले मैं भी ट्राई करती हूँ। अच्छा जी, खैर ये बन गया। इसे मैंने 1 चम्मच बाद में और डाला था, लेकिन मेरा खाली बस पाउडर था तो इसलिए इसकी जेल नहीं बन रही। काफ़ी देर इसको पका लिया, 5-10 मिनट, लेकिन वैसे जेल जल्द हो गई है, तो बस अब इसको मैं स्ट्रेन करने लगी हूँ। इसमें स्ट्रेन कर लेते हैं, इतना सा एक सर के लिए काफ़ी, बाकी इसी में रख लेते हैं, वही होता रहेगा आस पास। थोड़ा थोड़ा जेलिश जेलिश सा ही है ये, तो मेरे ख्याल इतना ये एक हेड के लिए काफ़ी है, ये रख लेते हैं, फिर लगा लेंगे। लेकिन इसको गरम गरम को ही आपने स्ट्रेन करना है, क्योंकि ठंडा हो जाएगा ना तो फिर ये स्ट्रेन नहीं हो पाएगा, जम जाएगा ना फिर। फेस नहीं करूँगी, इसको भी रख लेती हूँ थोड़ा सा ठंडा करके, ये फेस पे अप्लाई कर लेंगे। फेस पे से उतारना तो आसान है ना, बालों के अंदर ये जम जाएंगे, ये जो ग्रैंडोल्स है इसको लगाएंगे रात को फेस पे, जब वापस आऊँगी शादी से तब। थोड़े फ्रिज में रखती हूँ ताकि ठंडा हो जाए, फिर जल्द से अप्लाई करती हूँ, आधे घंटा लगाऊंगी देन एंड वॉश माय हेड एंड गो फॉर द शावर। चलें जी, ये मैंने डाला है अपने सर के पे लगाने के लिए, जो बाकी का बच गया ना उसको मैं ये जार में पोरिंग कर रही हूँ शीशे की बॉटल में। ऑल्दो ये गर्म है, बस ये ठंडा हो जाएगा तो इसको फिर हम फ्रिज में रख लेंगे, फिर यूज हो जाएगा। अच्छा जी, ये मैंने वो अपना जेल वाला जो मास्क है ना उस पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के ना वो मैंने अपने सर पे अप्लाई कर लिया था, ठीक है। मैंने मुंह पे भी लगाया वो जो बचा था स्ट्रेन किया हुआ वो, और उसके अंदर मैंने डाला था 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी के, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा पानी, ठीक है, और एक लेमन थोड़ा सा निचोड़ के उसके अंदर मैंने डाला, उसका मैंने मास्क बनाया। थोड़ी सी मैंने उसको अपनी स्क्रब डाली थी होदी से, और ये मैंने हाथ धोया उसे तो मेरे हाथ इतने नीट हो गए, और फेस पे मैंने वो अप्लाई किया और सर पे, बस अब मैं नहाने जा रही हूँ। आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, आपके लिए बहुत बहुत कुछ मैं शेयर करती हूँ, ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूँ, रेसिपीज शेयर करती हूँ, और डिफरेंट जगह पर आप लोग लेके जाऊँगी जहाँ पर मैं
शॉपिंग कर रही होती हूँ, कभी कहीं हम एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे होते हैं, तो आपको मुझे सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ही होगा। जी ये हो गई मैं तैयार, आज मैंने पहनी है साड़ी, मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, फुल लुक भी दिखाती हूँ अभी और बाद में दिखा दूंगी बीच में, ठीक है। और भी मोहम्मद अली खड़ा है, मोहम्मद अली तो देखो, मोहम्मद अली ने पहना है आज पेंट कोट ग्रे के साथ रेड टाई लगाई है। बाकी सबको मैं आपको फंक्शन में जाके दिखाती हूँ, तो बस हम निकल रहे हैं अब, 7:45 हो गए। चलिए जी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर दे, कमरे का हालात देखें पीछे कितना मैस मचा हुआ है। चलिए जी, अब हम एंटर हो गए हैं यहाँ फार्म हाउस पे, अब दरवाजे के पास ही मुझे तो उतारे हैं। जी अब पहुँच गई हूँ शादी पे, ये डेकोर है पूरा, दिखाती हूँ घुमा के कैमरा। सोचा एक दो फिल्म, एक दो तस्वीरें वगैरह बना ली जाए। थोड़े से मेहमान आए हैं, ये स्टेज है, स्टेज बन रहा है अभी। चले आ जा आंटी। मैंने पहले एक पी लिया, मैं दूसरा पी रही हूँ, मुझे बहुत दिल कर रहा है, बहुत मजे का फोटो, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने नई नेल पॉलिश लगाई है। बार्बी पे अटैक हो गया फिश पे। जैनब ने भी आपके जैसा हेयर स्टाइल बनवाया वाइट फेरी।
और ये मोहम्मद अली का दांत टूट गया, आज सिर्फ सुरदा फिर रहा है। हाँ जी, और अभी लोग बनाने लगे हैं, केक काटने लगे हैं स्टेज पे, तो मैं भी उधर ही जा रही हूँ। और मेरा फोन जो है फिल्टर स्क्रीन साफ होने वाली है। मोबाइल दीजिए, मोबाइल नुमान दीजिए। और मुझे अब पता लग गया कि मेरी सारी बहनों में से हीरा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है।
मुझे अब पता लगा वो कैसे पता चला। हाँ बस मुझे पता चल गया कि लड़कियों को पता चल जाता है। अच्छा ये जताया नहीं जाता है बस पता चल। हाँ ये एक फीलिंग होती है जो कि आई एम एक्सप्लेनिंग टू माय सेल्फ। मैं एक्सप्रेस करने में बहुत बुरी हूँ, बुरी एक्सप्रेस अच्छा नहीं करती, लेकिन जो फील करते हैं अच्छा नहीं करती, एक्सप्रेस अच्छा नहीं करती। एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सप्रेस न्यूज़ तो नहीं माशाल्लाह बहुत हसीन परी लग रही हो आज परी। फिर दिया स्टॉप। वेलकम। देखे जी अब मैं आ गई हूँ फातिमा के साथ, मेरी प्यारी सी फातिमा बिल्कुल जो है ना वो क्या लग रही है, हीरोइन लग रही है। ये जैसे मैं जा रही हूँ बड़ी बड़ी उड़ने वाली बड़ी अभी गाना गा रही हूँ पंजाबी कौनसी गर्ल ये दोनों सहेलियां भी आज बहुत प्यारी लग रही है। हेलो कैसी हैं? हेलो मैं ठीक हूँ दाना, बहुत प्यारी लग रही। थैंक यू, मतलब वलीमा वलीमा लुक लग है ना। मैंने भी साड़ी कब से संभाली हुई थी कि मैंने इकरा के पहनी है, पूरी रेनबो रेनबो टाइप की लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा थैंक यू। और आज हम मिले हैं जारा से, शी इज सच अ प्रिटी गर्ल, जितनी प्यारी है उतनी अच्छा उसका अखलाक है और बहुत प्यारी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छी है, सो नाइस टू मीट यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे। इंशाल्लाह इन टच, इंशाल्लाह हम मिलेंगे दोबारा। शादी हुई खत्म, आप नहीं आ रहे, शादी हुई खत्म तो ना आना पसंद करे उसको नहीं मिले। शादी हो गई खत्म जब सब लोग घर जा रहे हैं, लाइट ऑफ हो गई, मेहमान सब जा रहे हैं अपने अपने घर में। ये देखे मेहमान, चले जो आना पसंद करे वो तो आ जाए ना, बस घर जा रहे हैं, घर जाके वॉशरूम जाए हम। चलो अच्छा। हाँ जी मुंह साफ करो। इतनी तस्वीरें तो आ रही हैं आप, तस्वीरें तो आ रही, मैंने कहा आपकी भी ले लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़। फिर बहुत मजा आया। हाँ जी हाँ, नेक्स्ट फंक्शन पे। वो कौन सा फंक्शन है इंशाल्लाह? वो कोई दावत होगी ना, अब शादी की दावत शुरू हो जाएंगे, फिर किसी न किसी दावत मुलाकात होगी। अच्छी रही शादी, बहुत मजा आया। ओके जी अब सब बस फाइनली फाइनल जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ओके, दूल्हा दुल्हन अल्लाह हाफिज, अब मिलेंगे ब्रेक के बाद। ओके जी अल्लाह हाफिज, बहुत अच्छी शादी रही, बहुत मजा आया। थैंक यू, अब किसी ने हमारे साथ चक्कर लगाया है, डन मैं आऊंगी दोबारा। हां अल्लाह हाफिज, शादी की शादी में एकदम रही थी जी। हम आ गए अब घर, शादी हो गई ख़त्म, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी शादी हो गई, बहुत मज़ा आया, सब ने खूब इंजॉय किया और अल्लाह मेहमान दुल्हन को खुश रखे। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।